हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब में बड़ी खालिस्तानी गतिविधियों के तहत पड़ोसी राज्य हरियाणा भी हाई अलर्ट पर है। रोहतक रेंज में पुलिस ने सभी जिलों में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान रेंज के आईजी ने खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पंजाब के खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। पंजाब में अमृतपाल सिंह को लेकर तलाश की जा रही है और उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। वहीं अब हरियाणा भर में सीलिंग प्लान कर पुलिस वाहनों की चेकिंग करने का काम कर रही है। रोहतक रेंज के आईजी और एसपी ने खुद पुलिस नाकों का जायजा लिया। रोहतक रेंज आईजी राकेश आर्य ने बताया कि अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य के आरोपी के मामले में जो भी गतिविधि है उसको लेकर जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। पुलिस अलर्ट है। रोहतक रेंज के सभी जिलों में सीलिंग नाके लगाए गए हैं। वहीं शहर में हो रही स्नेचिंग की वारदातों को रोकने के साथ साथ पुराने अपराधियों का भी डाटा देख कर पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है। पंजाब में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों और अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। इसी के चलते रोहतक रेंज के सभी जिलों में पुलिस ने नाकाबंदी का सीलिंग प्लान अमल में लाया है। रोहतक रेंज की नवनियुक्त आईजी राकेश आर्य और एसपी के साथ सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना चौकी इंचार्ज भी सड़कों पर नाके संभालते दिखे। रोहतक जिले में लगभग 70 जगह नाकेबंदी की गई है। आईजी राकेश आर्य की माने तो पड़ोसी राज्य में चल रही गतिविधियों के मद्देनजर रोहतक रेंज में पुलिस मुस्तैद है। आईजी ने खुद शहर में नाके लगवाकर शहर की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिन नाकों पर कुछ कमी दिखी वो पुलिस की मुस्तैदी और बढ़ाई गई है। वहीं देखा जाए तो रोहतक में अपराधों का ग्राफ आए दिन बढ़ रहा है। वहीं घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी आसानी से शहर से फरार हो जाते हैं। रोहतक शहर से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। इसके साथ ही जिले के 6 मुख्य एग्जिट पॉइंट हैं जहां सही से नाकाबंदी न होने के कारण अपराधी आसानी से शहर से निकल जाते हैं। ऐसा कुछ ही बीते साल हुई 2.5 करोड़ की लूट की घटना में भी देखा गया था, जहां दो बदमाश दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती को अंजाम देकर पुलिस की आंखों से ओझल हो गए थे और आज तक पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे ही अपराधों पर जल्द कार्रवाई के लिए सीलिंग प्लान तैयार किया गया। भविष्य के लिए सभी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र निश्चित कर किसी भी बड़े अपराध होने की दृष्टि में सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द पहुंचकर नाके लगाकर जिले से लगती सभी सीमाओं को सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अपराधी शहर से न भाग पाए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास अहलियान की रिपोर्ट। सर आज का जो नाके का क्या व्यवस्था? देखिए आज रोहतक जिले में और रोहतक रेंज के अन्य जिलों में भी सीलिंग प्लान को लागू किया गया है। सभी एसपी साहिबान और सभी बाकी ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी, डीएसपी, जो हमारा सीलिंग प्लान है उसको लागू करके उसको चेक कर रहे हैं। उसमें सभी ड्यूटियां, सभी व्हीकल्स, सभी फोर्स की अलर्टनेस और सीलिंग प्लान की एक तरह से मैं कहूँगा कि रिहर्सल भी की जा रही है और सीलिंग प्लान को लागू भी किया जा रहा है। यदि इसमें कुछ कमियां सामने आएंगी तो उसको हम इम्प्रूव करके और बेहतर इसको करेंगे। सर अमृतपाल है जो पंजाब का, देखिए जो भी हमारे पड़ोसी राज्य में एक्टिविटी है उस पर हम लगातार निगाह रखे हुए हैं और जो भी उससे संबंधित जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। वी आर अलर्ट। कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, पीछे कुछ स्नैचिंग हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पे जिला पुलिस अलर्ट है, अच्छा काम कर रही है, समय समय पे नाके भी लगा रहे हैं, पुराने क्रिमिनल्स को भी चेक कर रहे हैं और पीछे कुछ इन्होंने स्नैचिंग की वारदातों को ट्रेस भी किया है और गैंग्स भी पकड़े हैं। आगे भी इस और विशेष ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।